नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। साल 2020 में आए कोरोना वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मानो जिंदगी थम सी गई थी और अपने आप को सबसे शक्तिशाली कहने वाले देश अमेरिका में इसने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका, भारत और ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने इसको फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था और देशों ने अपने यहाँ दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब हालात काफ़ी सही हो चुके हैं। कई देशों में अपने यहाँ टीकाकरण यानी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत में भी ये काम लगातार किया जा रहा है। अब जब स्थिति सामान्य होने लगी है तो एक शब्द का शोर सुनाई देने लगा है। वो शब्द है वैक्सीन पासपोर्ट। क्या है ये कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट? ये भविष्य में आपके लिए कैसे ज़रूरी है, चलिए आपको बताते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट से आप क्या समझते हैं? अगर आसान भाषा में कहें तो अपने देश से किसी दूसरे देशों में जाने के लिए अभी आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका समेत कुछ देश एक डिजिटल पासपोर्ट तैयार करने की कवायद कर रहे हैं, जो नागरिकों को ये दिखाने के लिए बाध्य करेगा कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे में दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट का होना जरूरी हो जाएगा। क्या इससे दिक्कतें आ सकती हैं? लगातार डिजिटल हो रही इस दुनिया में सभी को अपना डेटा लीक होने का डर है। हाल ही में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे कि इनके इस्तेमाल से यूजर्स का डाटा लीक हो रहा है। ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी गोपनीयता को लेकर होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वैक्सीन पासपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में आएगा या इसके लिए कोई ऐप बनेगा। बताया जा रहा है कि ट्रैवल के अलावा कंसर्ट वेन्यू, मूवी थिएटर, दफ्तर आदि में भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। WHO का वैक्सीन पासपोर्ट पर क्या रुख है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक तरह का डिजिटल हेल्थ पास कहा जा सकता है। कई कंपनियों में इसके लिए स्मार्टफोन ऐप और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम शुरू हो चुका है। कॉम्प्रेस नेटवर्क और IBM जैसी कई कंपनियों ने इस दिशा में पहले ही काफी काम पूरा कर लिया है। खास खबर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल खास खबर में सिर्फ इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।